पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारों की चोरी करने वाले गिरोह को एसओजी और सिविल लाइन्स पुलिस ने पकड़ा है। ये गिरोह स्क्रैप कारोबार की आड़ में वाहन चोर गिरोह चला रहा था। पकड़े गए आरोपियों में बरेली और मुरादाबाद निवासी हैं। इनके पास से चोरी की 4 कार भी बरामद की गयी। देखिए, आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया थाना सिविल लाइन में, जिसमें एक का नाम है आरिफ हुसैन पुत्र साबिर हुसैन। ये ग्राम भीमठेर थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सतीश कुमार पुत्र ओम प्रकाश गंगवार, ये थाना पथेगंज पश्चिमी है जनपद बरेली के रहने वाले हैं। और जो तीसरे हैं वो भारत सिंह यादव हैं, ये इज्जत नगर थाना जनपद बरेली के रहने वाले हैं। और इन तीनों लोगों के पास से 4 जो चार पहिया वाहन हैं वो मिले हैं। एक बिटारा ब्रेजा गाड़ी मिली, एक स्विफ्ट डिजायर है, और जो एक दूसरी स्विफ्ट डिजायर BDI है, और एक महिंद्रा TUV। इस तरीके से 4 इनके पास से गाड़ियां मिली हैं, और एक 315 बोर का तमंचा मिला है, और एक 12 बोर 315 बोर के इसके पास कारतूस, और 12 एक 300 ये क्या कहते हैं 12 बोर का एक तमंचा मिला, जिसके 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। और ये जो सतीश है, इनके ऊपर पहले भी 4 मुकदमे रहे हैं, आरिफ के पास में पहले भी मुकदमे रहे हैं। ये लोग करते ये थे कि जो पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी, जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी एक्सीडेंट में, उसको ये ख़रीदते थे, और उसके बाद में उस गाड़ी को ख़रीदने के बाद में उसको कबाड़ी को बेच देते थे। उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हैं और बाकी जो उसके नंबर प्लेट हैं, उनका इस्तेमाल ये चोरी की गई गाड़ियों पर वापस से दोबारा नंबर प्लेट लगा के, और उन पर जो चेसिस नंबर इंजन नंबर है वो उनकी जो प्लेट है दोबारा लगा के, और उनको फिर मार्केट में बेचने का काम ये लोग करते थे। और इनके पास से जो 4 गाड़ियाँ मिली, ये सब चोरी की गाड़ियाँ हैं, और इन सभी गाड़ियों को भी इसी तरीके से ये चेचिस नंबर इंजन नंबर चेंज करने के बाद में मार्केट में पुरानी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उसी के आधार पर, रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर लोगों को बेचने का ये काम करते थे। 2 लोग और इसमें हैं जो इनके जो साथी हैं, एक प्रमोद यादव है जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और एक सतीश है जो दिल्ली पीरागढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी अभी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। वो लोग गाड़ियों में चेचिस नंबर और इंजन नंबर है वो बदलने का काम करते थे, और ये लोग गाड़ियां चुरा के और फिर इनको बेचते थे। तो इस तरीके से ये जो एक गैंग था, ये ऑर्गेनाइज तरीके से काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, और लोगों की जो गाड़ियां हैं उनको बेचने के बाद में फिर वो गाड़ी कभी ट्रेस भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनका इंजन नंबर और चेचिस नंबर ये दोनों परिवर्तित कर देते थे, और पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उसको ये मतलब चोरी से कबाड़ी को बेच के उसको ख़त्म कर देते थे। इस तरीके किस किस जनपदों से चोरी करी है इन्होंने ये गाड़ियों? और ये गाड़ियाँ इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो इनको नंबर प्लेट और इन्होंने जो इंजन नंबर चेचिस नंबर है वो इन्होंने मिटा दिए हैं। तो इसमें से एक गाड़ी का भी पता चला, एक FIR हुई है जो कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली पुलिस से। और बाकी जो 3 गाड़ियाँ हैं उनको ट्रैक इसमें किया जा रहा है, उनके जो बाकी जो सर्विस वगैरह जो हुई है उसके आधार पर। तो आपराधिक इतिहास इनको कुछ, हाँ, इन लोगों के इसमें से जो 2 लोग हैं, सतीश पुत्र ओम प्रकाश गंगवार, इनके पूर्व में भी 2017 और 2019 में मुकदमे पहले भी रहे इनके ऊपर। और इसके अलावा जो आरिफ है, इसके ऊपर भी पहले से एक मुकदमा है, 406, 413, 414। तो ये लोग पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं, और ये काम लगातार कर रहे थे, क्योंकि पूरा प्लान करके कार्य कर रहे थे, जिससे कि इनकी पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी सफलता मिली है, और जो चोरी की गाड़ियाँ हैं जो ट्रैक नहीं हो पाती थी चोरी के बाद में, वो इसी का यही रीज़न था कि ये लोग उसको गाड़ी का वो पूरा स्वरूप ही परिवर्तित करके उसको बेच दिया करते थे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।